तो हे गाइस, कैसे आप सब। मेरा नाम है ताश कवाशन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, जैसे आप देख सकते हैं अभी टाइम हो रहा है 7 o'clock एंड मैं एक अर्ली मॉर्निंग जॉग के लिए निकला हूँ। तो गाइस, अगर आप मुझे थोड़े से लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हैं और अगर आपने व्लॉग 2 देखा है तो आपको पता होगा कि मेरे आसपास एक 10-15 मिनट्स की दूरी में एक लेक है एंड वहाँ पे काफ़ी अच्छा सा ट्रैक सा बना हुआ है, ग्रीनरी है काफ़ी। वो नहीं, व्लॉग 7 की बात नहीं कर रहा, जो बहुत बड़ी लेक थी आगे, वो 45 मिनट्स दूर है, मैं यहीं पास वाले की बात कर रहा हूँ। तो अभी मैंने सोचा यार सुबह सुबह है, ग्रास है, अच्छी खुशबू है, वहीं पर चलते हैं। सॉरी गाइस, अगर मैं थोड़ा हाँफ रहा हूँ, थोड़ी आपको फीडबैक आ रही है, मैंने भी थोड़ा सा भाग के आऊँ काफ़ी ज़्यादा, तो हो सकता है उसकी वजह से। बाकी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये जैकेट क्यों पहन रखी है। तो गाइस, ये जैकेट मैंने इसलिए पहनी क्योंकि यहाँ पे 4 degree टेम्परेचर पहुँच चुका है एंड कल के प्रोजेक्शन ऐसे आ रहे हैं कि कल 0 पहुँच जाएगा एंड जो फील्स लाइक जो परसीव टेम्परेचर होता है वो नेगेटिव में पहुँच सकता है। तो ऐसा हो सकता है, इसीलिए ठंड भी लग रही है तो मैं जैकेट ही पहन लूँ। तो गाइस, वॉक कंप्लीट हो चुकी है, मैं वहाँ पे भी 3-4 राउंड मार दिए, अब बस घर वापस जा रहा हूँ। बहुत तेज़ भूख लगी है यार, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, अब घर जाऊँगा पागल कुत्तों की तरह खाऊँगा, फिर आप लोगों से मिलूँगा। तो गाइस, मैं घर आ गया, अब मैंने अपने बीटरूट राइस गर्म कर लिए हैं एंड अब मैं जूस डाल लिया है, बस अब मैं खाना खाता हूँ। तो हे गाइस, फ्यूचर टीके भी हियर, मैं अभी गाड़ी में वेला बैठ के अपनी वीडियो एडिट कर रहा हूँ एंड मैंने देखा कि मैंने आप लोगों को आज बताया ही नहीं कि वी गोइंग टू गो बैक टू मैजिक फॉर अ वाइल एंड मतलब सारी वीडियोस नहीं, वीडियोस के बीच बीच में आपको थोड़ा बहुत मैजिक ट्यूटोरियल देता रहूँगा एंड आज के लिए कुछ बहुत अच्छा प्लान है। इसकी फुटेज मैंने 2 दिन पहले ली थी, सो लेट्स लर्न हाउ टू डू मैजिक। तो गाइस, द थिंग दैट आई एम गोइंग टू बी टीचिंग यू टुडे इज कॉल्ड द स्नैप चेंज। इट्स actually called a color change in the world of magic and it's not that hard to do. Yes, everything requires practice, but then it doesn't mean that it's really hard. So the snap change looks something like this. So guys, I'm pretty sure that you might have some idea on how to do it. I'm gonna tell you. So you only need 2 cards for this trick. It can be any 2 cards, you can choose any 2 cards. And the main thing in this स्लाइड इज बेसिकली योर हैंड प्लेसमेंट। तो आप क्या करोगे, अपनी इंडेक्स और मिडिल फिंगर को कार्ड के बॉटम पे ऐसे रखोगे। द मिडिल फिंगर हैज टू बी थोड़ा सा आगे एंड द इंडेक्स फिंगर हैज टू बी थोड़ा सा पीछे। नाउ यू टेक योर थंब एंड यू प्लेस इट एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर ओवर हियर। तो इसको सीधा उसके बीच में रखोगे एंड यू हैव टू अप्लाई थोड़ा सा प्रेशर। नाउ इट वुड बी गुड इफ़ यू पुट अ लिटिल गैप इन दोनों फिंगर्स के बीच में, इन दोनों फिंगर्स के बीच में थोड़ा गैप रखोगे तो मिडिल फिंगर को ईजी होगा कार्ड चेंज करना। नाउ कार्ड चेंज कैसे होता है, आई एम गोना नॉट गोइंग टू टू मच डिटेल एंड बोर यू गाइस, बट देन आई एम जस्ट गोइंग शो यू के प्रॉपरली इसको करना कैसे है। सो कार्ड चेंज ऐसे होता है, द मिडिल फिंगर स्टार्ट पुलिंग द कार्ड एंड देन इट टेक्स द कार्ड बैक फ्रॉम अंडरनीथ द सेकेंड कार्ड एंड दैट वेज यू एंड इफ यू डू इट फास्ट इनफ आपको सिर्फ आगे वाला कार्ड दिखेगा एंड द पीछे वाला कार्ड विल बी हाइडिंग बिहाइंड दिस कार्ड लाइक दिस। सो नाउ टू डिस्ट्रैक्ट पीपल यू डू अ मोशन लाइक दिस। सो इन दिस मोशन यू आर एक्चुअली हिटिंग द कार्ड, तो आप कार्ड पे मार रहे हो एंड देन यू हैव टू डू द कार्ड चेंज प्रीटी फास्ट, इट्स लाइक अ स्नैप। सो इफ यू नो हाउ टू स्नैप, इट्स लाइक यू प्लेस योर थंब ओवर ऑन योर मिडिल फिंगर एंड देन यू स्लाइड इट टू द इंडेक्स फिंगर एंड द मिडिल फिंगर अप्लाइज प्रेशर ओवर दिस पार्ट एंड देन एक चुटकी बचती है ऐसे। तो आप अपने मिडिल फिंगर पे अपना थंब रखोगे, फिर अपने थंब से यहाँ पे प्रेशर लगाओगे, इट गोज टू योर इंडेक्स फिंगर एंड देन द मिडिल फिंगर इज ऑल्सो अप्लाइंग प्रेशर। सो इफ यू डू इट फास्ट इनफ द मिडिल फिंगर विल हिट द पाम ऑफ योर हैंड एंड एक्चुअली मेक्स अ बैंग नॉइस लाइक दिस। सो यही सेंस है इसके पीछे। तो अगर आप कार्ड पे ऐसे मारोगे टू डिस्ट्रैक्ट द पर्सन एंड देन यू बेसिकली डू अ स्नैप लाइक दिस। तो क्या करना है, यू हिट द कार्ड फ्रॉम द साइड एंड देन यू जस्ट स्नैप एंड देन इफ यू डू इट फास्ट इनफ दे विल एक्चुअली नॉट नो हाउ इट्स डन। सो इफ यू गाइस लाइक दिस मिनी कार्ड टीचिंग लेसन देन प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू मोर ऑफ दीज। तो गाइस, अगर आपको इसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं पूरे दिन खाता ही रहता हूँ, आप लोग एकदम सही हैं।
तो गाइस ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये है मेरे पास वेजिटेरियन मीटबॉल सब विद चीज एंड मैरिनारा सॉस। तो गाइस अब लेंगे इसकी बाइट। मुझे रोना आ गया, इतना अच्छा। मैंने भी बाइट ली गाइस, चीज और मैरिनारा सॉस से फट के आया, फ्लेवरफुल, मेरे माउथ में से कुछ बैलेंस और मिक्स हो रहा था, मजे आ गए। तो गाइस अभी हम खाएंगे और साथ में देखेंगे कोबरा का है। तो गाइस अभी अभी मेरे पापा बाहर गए हैं, उन्होंने गाड़ी गलत जगह पे लगाई थी तो वो गाड़ी को ठीक करने जा रहे हैं एंड वो यहाँ पे सोते हैं एक्चुअली। तो अभी ये जो कवर्ड है ये मेरा कवर्ड है एक्चुअली, तो अभी मैं इसके अंदर छुपने वाला हूँ और जैसे ही वो आके लेटेंगे मैं उनको डराने वाला हूँ, उनका रिएक्शन लेते हैं। तो गाइस प्रैंक पूरा सेट है, मम्मा बहाना दे देंगी, मैं अभी कवर्ड में जाके छुप रहा हूँ। मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ऑब्वियसली उनको पता नहीं लगेगा कि मैं वहाँ पे छुपा हूँ। कबर्ड के अंदर मिलते हैं। तो गाइस ये अभी मेरा कबर्ड है, कुछ ज़्यादा ही मैस में आई नो, बट अंदर घुसने का ट्राई करते हैं। और ये मैं घुस गया अंदर सक्सेसफुली। तो गाइस पापा घर के अंदर आ चुके हैं, वो पीछे हैं, देखो मुझे आवाज मार रहे हैं। काकी नहीं करना मिस, तो मैं सो रहा हूँ, गुड नाइट। गाइस पापा को डराने का टाइम आ चुका है, अब डराते हैं उनको। बहू थप्पड़ मार दूंगा तेरे। प्रैंक सक्सेसफुल। तो गाइस आई थिंक आज के लिए इतने रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को रिंग कर देना। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।